नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है और हमारे एएनएम बहन की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है। कल शाम में एक वीडियो बनाई थी, उसमें हम आपको बता दिए थे हमारे एएनएम बहन गांधी मैदान से बोल रहे हैं जो आज के बारे में, आज से फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो रही है क्योंकि बीच में नवरात्रा के कारण धरना प्रदर्शन को स्थगित करना पड़ा और फिर से आज से कंटिन्यू आपका धरना प्रदर्शन शुरू हो रही है। और बीटीसी विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है, जो बोले थे अगले महीने आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में एग्जाम डेट के बारे में भी बताने वाले हैं और हमारे एनएम भवन को आगे क्या रणनीति है उसके बारे में भी बताने वाले, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए जो बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे हैं और चाहते हैं जल्द से जल्द यह वैकेंसी को क्लियर करवाने के लिए। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी जानकारी युवन भवन करके इस वीडियो में बता रहे हैं जो बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के लिए क्या कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी एक ही सभी स्टूडेंट का एक ही सवाल है, सर बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के लिए विभाग जो नोटिस जारी किया इसका एग्जाम कब तक हो सकती है? तो दोस्तों इसका एग्जाम आपको बोले 15 दिसंबर के बाद ही आपका इसका एग्जाम होगा, 15 दिसंबर के बाद ही एग्जाम होगा। ध्यान से इस डेट को आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात है, आप लोग के दीवान पे ध्यान समझ लीजिए, आप लोग के दीवान पे पीएचटी की क्लासेस द्वारा एक कदम सफलता की ओर आपको सफलता बैच लेके आ गई है जो कि खासकर बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के लिए स्पेशल क्लास है। मात्र 149 रुपया में आपको यह बैच अभी मिल रही है, तो सभी स्टूडेंट परचेज कर लीजिए। या आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, व्हाट्सएप पे क्लास चलेगा जो कि आपको बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के लिए जो विभाग नोटिस जारी किया है, जो सिलेबस जारी किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाया जाएगा, जिसमें आपको एमसीक्यू प्रश्न रहेगा वीवीआई, जिसमें आप टेस्ट लगा सकते हैं, पर डे टेस्ट देने को मौका रहेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा जो कि आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट परचेज किए, आप भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, फोनपे गूगल पे या पेटीएम आपको 149 रुपया कटवाना है और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और हम दावा के साथ कहते हैं जो भी स्टूडेंट कोर्स परचेज कर रहे हैं 100% आपका रिजल्ट एक सीट पक्का 100% आपका रिजल्ट मिलेगा और फाइनल ज्वाइनिंग आपको मिलेगी। इसीलिए कोई खास रुपया नहीं है, 149 रुपया है, इसलिए आप लोग परचेज कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है और वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आपको दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो उस पर दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों कल हम आपको वीडियो बनाए थे, उसमें बता दिए थे जो गांधी मैदान से हमारे एनएम बहन क्या बोल रहे हैं, जो नवरात्रा काल बीच में जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको स्थगित करना पड़ा और उनको लगा नवरात्रा में सरकार एनएम बहन के लिए सोच रही है। एनएम बहन के लिए तो सोची तो है, बट वही जो 60 साल तक आपको समीदे पर रखा जाएगा और पेमेंट आपको जो है वही मिलेगा, जो कि आपको 5 साल में हटा दिया जाता था, नहीं आपको कार्य विस्तारित कर दिया गया है 60 सालों के लिए, बट आपको पेमेंट उतना ही मिलेगा। तो उससे क्या फायदा मिलेगा हमको ये बताइए, 60 साल कर दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलिए 60 साल तक आपको काम करें, बट अभी जो महंगाई भरी दौर में आप 10,000 सब क्या कर पाइएगा, आप खुद सोचिए। जो कि आपको इंसेंटिव सरकार 2021 में, केंद्र सरकार भारत सरकार आपको 2021 में जारी किया और अभी बिहार सरकार जो है देख लीजिए 1 नवंबर से वह इंसेंटिव आपको 1500 रुपया मिलेगा। अब सोच सकते 2 साल तो आपका सरकार खा गया पैसा, 2 साल पैसा तो सरकार खा गया और अभी 1 नवंबर से स्टार्ट कर रहा देना, अब सोच सकते कितना शोषण सरकार कर रही है हमारे एनएम बहन को। 2 साल पहले केंद्र सरकार दे रही है और दो साल से अपना पैसा गमन कर रहा है बिहार सरकार और अब जाके उसको लागू किया है ताकि एनएम बहन को लगेगा जो सरकार आपके बारे में कुछ न कुछ सोच रहा है। अब सोच सकते हैं कितना शोषण किया जाता है, बाबू अभी पढ़ा लिखा लोग हैं, कोई मूर्ख नहीं है जो लोग नहीं समझ पाएगा। तो दूसरी बात है, जो नवरात्रा में जो आपको स्थगित हो गया था धरना प्रदर्शन, आज से फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो रही है, सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं फिर पटना के अंदर, उसके बाद आगे की रणनीति क्या है, उसके बाद जो भी अपडेट आएगा हम आपके बीच शेयर करेंगे। बस स्टूडेंट को दो ही सवाल था, सर आज से धरना प्रदर्शन सही में शुरू हो रही है और दूसरा सर एग्जाम डेट बताइए, बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के लिए एग्जाम डेट।
दोस्तों 15 दिसंबर के बाद ही आपको एग्जाम होगा, ध्यान समझ लीजिए 15 दिसंबर के बाद ही एग्जाम होगा, इस डेट को आप नोट कर लीजिए। और NM1 की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है वो भी हम आपको बताइए दिए, जो आज से फिर से पटना में सभी NM1 को इकट्ठा हो रहे हैं और आज से फिर से आपका धरना प्रदर्शन शुरू हो रही है। और NM1 बोले हम कभी एग्जाम नहीं देंगे और सरकार को हर हाल में मानना पड़ेगा, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम, मेरे पास भी वोट बैंक है, 2024 में 25 में हम दिखा देंगे। तो दोस्तों अभी जो अपडेट निकल के आ रही है आपके बीच हम शेयर किए हैं। अभी सफलता में PST की क्लासेस द्वारा लॉन्च किया गया है, काफ़ी स्टूडेंट ने परचेज किया है, आप भी परचेज कर लीजिए, मात्र 149 रुपया में मिल रही है, सभी स्टूडेंट परचेज कर लीजिए। फोन पे गूगल पे आपको कटवाना है 149 रुपया और स्क्रीनशॉट भेज देना है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में और आपको स्क्रीन पर भी चल रही है। किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप उस नंबर पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं, जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो अभी जो अपडेट निकल के आ रही है BTC NM के बारे में आपके भी शेयर किया है, आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे विभाग की तरफ से और हमारे NM1 की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।